तो ऐसी भी तो कोई भी ट्रेन नहीं है पाकिस्तान में जो इतनी जल्दी लाहौर तक पहुँचे कराची से। रेडिंग लाइट्स वगैरह जो है वो भी अवेलेबल हैं और प्रॉपर जल भी रही हैं। थैंक यू। छः बज के 35 मिनट पर जो है वो नाश्ता सर्व कर दिया गया है 5 AM एक्सप्रेस में। मेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई है फरीद एक्सप्रेस और हम लोग साइड लाइन पे ओवरटेक कर रहे हैं फरीद एक्सप्रेस को। और इस वक्त गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है भागलपुर रेलवे स्टेशन पर। मुझे तो लगा था कि यहाँ पे जो है वो हमें बारिश वगैरह मिलेगी। रायता जो है ये तकरीबन 12:50 पर आ गया था और खाना जो है अब जाकर आया है आधे घंटे बाद। मुसाफिर अजियत में उतर रहे हैं यहाँ से। प्लेटफॉर्म जो है छोटे पड़ जाते हैं जब ट्रेन लगती है 20 डब्बों की। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर यानी कि कराची में और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची कैंट रेलवे स्टेशन के बिल्कुल बाहर। और सीन कुछ ये है कि आज जो है वो हम ट्रैवल करने वाले हैं पाकिस्तान की नंबर 1 ट्रेन, पाकिस्तान की जानी मानी ट्रेन जो कि चाइनीज़ कोचेज़ के साथ बनाई गई है, वही कोचेज़ जो कि हाल ही में आए हैं चाइना से पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, तो आज जो है हम लोग वो ट्रैवल करने वाले हैं कराची और इस्लामाबाद के दरमियान चलने वाली पाकिस्तान की नंबर 1 ट्रेन यानी कि 5 AM एक्सप्रेस में। और सीन कुछ ये है कि आज का जो हमारा जर्नी है वो होने वाला है कराची से लेकर लाहौर तक। जर्नी जो है वो भी आज का हमारा होगा AC स्टैंडर्ड में। जी हाँ दोस्तों, AC स्टैंडर्ड के वही कोचेज जो कि न्यू आए हैं और इन कोचेज में मैंने अब तक ट्रैवल नहीं किया है। पायलट में मैं बैठ चुका हूँ, पायलट कार में ट्रैवल हो चुका है मेरा, इकॉनमी में भी ट्रैवल हो चुका है मेरा और बिजनेस क्लास को तो आप लोग जानते हैं कि पुराने कोचेज ही हैं जिनको रिफर किया गया है। बाकी AC स्टैंडर्ड जो है वो बिल्कुल नया है मेरे लिए और बहुत से लोगों ने शायद ना देखा हो। तो चलें प्लेटफॉर्म पर चलते हैं। ग्रीनलाइन एक्सप्रेस जो है वो हमारी वो कराची कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ चुकी है। तो ये मेन कराची कैंट रेलवे स्टेशन की स्टेशन बिल्डिंग और सामने खड़ी हुई है कराची और मारगला यानी इस्लामाबाद के दरमियान चलने वाली 5 AM ग्रीनलाइन एक्सप्रेस। तो ये देख सकते हैं आपके बिल्कुल सामने जो है हमारी 5 AM ग्रीनलाइन एक्सप्रेस खड़ी हुई है और ट्रेन की लीड पर कौन सा लोकोमोटिव भैया हमें नहीं पता। और हमारा कोच जो है वो है AC स्टैंडर्ड का। ये बिल्कुल मेरे सामने बिजनेस क्लास का कोच है और बिजनेस क्लास के जैसे कि मैंने आपको बताया कि वही कोचेज हैं जो कि पाकिस्तान ने पुराने CNR कोचेज को ही रिफर किया है, जबकि CRRC के जो न्यू कोचेज हैं वो है AC स्टैंडर्ड और इकॉनमी क्लास प्लस एक जो है वो पॉलर क्लास का कोच भी होगा जो कि CRRC का है। तो चलें हम अपना कोच देखते हैं। दोस्तों आज का जो मेरा कोच है वो है कोच नंबर 6 और इस वक्त मैं 10 को क्रॉस कर रहा हूँ। 10 के बाद 9, 8 उल्टी काउंटिंग स्टार्ट है 5 AM ग्रीनलाइन एक्सप्रेस में, जबकि जब ये मारगला स्टेशन से चलती है तो काउंटिंग जो है वो सीधी होती है यानी कि 1, 2, 3 जो है वो आगे होता है कोचेस। तो दोस्तों ये रहा हमारा कोच नंबर 6 AC स्टैंडर्ड। अस्सलामुअलैकुम, कैसे भाई? आप बताएं, बहुत शुक्रिया सर। कहाँ जा रहे हैं आप? ट्रेन में जा रहे हैं? लाहौर जा रहे हैं। आपकी तारीफ? शहीद अहमद, बहुत शुक्रिया शहीद भाई आपकी मोहब्बत का। बस हम भी आपके साथ ही जा रहे हैं। जी बिल्कुल, हम इसी ट्रेन चले। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। अजान ईशा हो रही है इस वक्त और ये है AC स्टैंडर्ड का इंटीरियर और मेरी बर्थ जो है वो है 72 और 72 जो है वो ऊपर वाली है जबकि ऑनलाइन रिजर्वेशन में 72 नीचे वाली थी। तो ये कुछ हो गया है गलत सीन। मैंने जो है ये लोअर बर्थ करवाई थी ताकि उतरने चढ़ने में आसानी हो। बाकी ये है कुछ 6 पर्सन केबिन के हालात। चार्जिंग सॉकेट्स वगैरह जो है वो हर बर्थ के साथ मौजूद हैं। रीडिंग लाइट्स वगैरह जो है वो भी अवेलेबल हैं और प्रॉपर जल भी रही हैं, जबकि साइड बर्थ पर जो है वो चार्जिंग सॉकेट्स तो मौजूद हैं नीचे भी और
ऊपर भी और साथ में रीडिंग लाइट्स भी मौजूद हैं। लेकिन ये थोड़ा बैड सीन है मेरे हिसाब से कि मुझे जो है वो रिजर्वेशन में ये नीचे वाली बर्थ जो है ये 72 आ रही थी, लेकिन अब मैं कोच में आया हूँ तो ये अपर बर्थ जो है ये 72 शो हो रही है यहाँ पर। खैर देखते हैं हमारे साथ कौन होगा, कुछ कर लेंगे इंशाल्लाह। बाकी पीने के लिए जो है एक वाटर डिस्पेंसर भी मौजूद है पानी पीने के लिए, जिसके अंदर मुसाफिर जो है वो ठंडा पानी पी सकते हैं भरकर यहाँ से। और पूरे रास्ते जो है बाहर से मुसाफिरों को पानी ख़रीदने की नौबत नहीं आएगी। ये काफ़ी अच्छा सीन है वीआन एक्सप्रेस में कि वाटर डिस्पेंसर जो है वो तमाम क्लासेस में मौजूद है। तो दोस्तों कोच जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, जिस वजह से हम थोड़ी देर के लिए बाहर अगर बाहर आए तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। क्या है ग्रीन लाइन एक्सप्रेस के बारे में थोड़ा बताता चलूँ कि ये जो है ये पाकिस्तान की, जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे तेज़ तरीन ट्रेन है कि जिसमें ये ट्रेन कराची से लेकर लाहौर तक का सफ़र जो है सिर्फ 17 घंटे में तय करती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी अभी तक कोई भी ट्रेन नहीं है पाकिस्तान में जो इतनी जल्दी लाहौर तक पहुँचे कराची से। इसी के साथ अगर इस ट्रेन के स्टॉपेजेस की बात करें तो कराची चलने के बाद इस ट्रेन का नेक्स्ट स्टॉप जो होगा वो होगा हैदराबाद जंक्शन, उसके बाद रोड़ी जंक्शन, रोड़ी के बाद ट्रेन डायरेक्ट जाकर रुकेगी भावलपुर रेलवे स्टेशन पर, भावलपुर के बाद ट्रेन का स्टॉप होगा वो होगा खानेवाल जंक्शन। खानेवाल जो है ये इस ट्रेन का टेक्निकल हॉल्ट है। बेसिकली जो है इस ट्रेन के दो टेक्निकल हॉल्ट है, पहला है रोड़ी जंक्शन जो कि सुबह सुबह आएगा तकरीबन 4 या 4:30-5 बजे के दरमियान, और इसके बाद जो दूसरा टेक्निकल हॉल्ट आएगा वो होगा खानेवाल जंक्शन जो कि दोपहर के वक्त आएगा तकरीबन 11 से 12 बजे, और उसके बाद फिर ट्रेन जो है डायरेक्ट लाहौर जाकर रुकेगी। इसी के साथ अगर हम देखें तो ट्रेन को जो है वो एक ही लोकोमोटिव लीड करेगा, यानी कि जो ट्रेन को अच्छे से लगाया जाएगा वही लोकोमोटिव ट्रेन को लाहौर तक लेकर जाएगा। फिर लाहौर जाकर इस ट्रेन के तकरीबन आधे कोचेज जो है वो ट्रेन से अलग कर लिए जाएंगे, और सिर्फ 9 से 10 कोचेज से ट्रेन आगे फिर मजीद जो है वो इस्लामाबाद तक जाएगी, और इस्लामाबाद तक जो है इस ट्रेन को फिर लाहौर से दूसरा लोकोमोटिव लगाया जाएगा जो कि बेसिकली GU20 होगा, और फिर वही ट्रेन को जो है वो इस्लामाबाद तक लेकर जाएगा। तो चले अब फिलहाल चल के देखते हैं कि कौन सा लोकोमोटिव आज ट्रेन को लीड करेगा। सैफुर रहमान हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? सर कैसा लगा ग्रीन लाइन एक्सप्रेस को देखकर? दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, सोच रहा हूँ कि मैं भी जाऊँगा। सोच रहे हैं आप भी? आ जाए सर, अभी भी वक्त है। नहीं अभी जरा काम वगैरह फंसे हुए, काम वगैरह में फंसे हुए। चले आगे हो सकता है मुलाकात हो जाए ग्रीन लाइन से ट्रैवल के साथ। जी बिल्कुल, चले जी चले अब इंजन देखते हैं। तो दोस्तों गर्मी जो है इस वक्त कराची में बहुत ज़्यादा हो रही है, आप मेरा फेस देख सकते हैं कि किस कदर पसीना आ रहा है मुझे, हफ्स हो गया, हफ्स बहुत ज़्यादा हो गया, बिल्कुल ऐसा ही है। हवा जो है वो बिल्कुल भी नहीं चल रही, जबकि इस वक्त जो है वो बहरिया टाउन में काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, नूरियाबाद में काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। तो उम्मीद है कि हमें कराची से चलने के बाद थोड़ा आगे जाकर किसी स्टेशन पर या किसी जगह पर बारिश मिल जाए। तो दोस्तों ये GU409026 आ रहा है आज 5UP ग्रीन एक्सप्रेस को लीड करने के लिए। पाकिस्तान रेलवेज का सबसे बेहतरीन लोकोमोटिव सबसे बेहतरीन ट्रेन को हॉल करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो दोस्तों सिर्फ 10 मिनट रह गए हमारी ट्रेन को चलने में, और अब जो है अपने दोस्तों को अलविदा कहते हैं। ओके अरबाब भाई बहुत शुक्रिया आप आए। ओके भाई शराज भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। और सैफुर रहमान तो हमारे साथ ही रहे जो कि हमें छोड़ने आए हैं घर से लेकर स्टेशन तक ट्रेन तक। चलें जब अपने दोस्तों को जो है अलविदा कहते हैं और चलते अपने कोच की तरफ, क्योंकि कोच जो है हमारा वो काफ़ी पीछे है। तो इन दोस्तों की तरफ से अल्लाह हाफिज़, और हम जो है वो अपनी वीडियो कंटिन्यू रखते हैं। तो दोस्तों पूरे 10 बजे यानी कि ऑन टाइम ट्रेन जो है वो डिपार्ट कर रही है। तो बड़े स्टेशन पर अक्सर ये होता है कि ट्रेन चलने के बाद रुक जाती है, जैसा कि इस बार भी कराची कैंट रेलवे स्टेशन पर हो चुका है। तो दोस्तों फाइनली ट्रेन का जो है वो डिपार्चर हो चुका है कराची कैंट रेलवे स्टेशन से, और अब ट्रेन का जो स्टॉप होगा कराची से चलने के बाद वो होगा हैदराबाद जंक्शन। तो देखते हैं कि ट्रेन कितनी देर में पहुंचती है हैदराबाद जंक्शन पर, और उस वक्त तक हम उठे हुए होते हैं या सो रहे होते हैं। फिलहाल कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस जो है वो अब सुबह तक कोई नहीं होगी, सुबह जो है वो नाश्ता दिया जाएगा ग्रीन लाइन एक्सप्रेस में। उससे पहले जो है वो किट वगैरह जो है डेंटल किट वगैरह वो कब दी जाती है। ये खड़े हुए हमारे दोस्त। ओके भाई हो लाफिज लाफिज लाफिज। तो ट्रेन जो है वो कराची कैंट रेलवे स्टेशन से निकल चुकी है, और दरवाजे जो है वो ट्रेन के लॉक कर दिए गए हैं, लेकिन दरवाजे तो लॉक कर दिए लेकिन वॉशरूम जो है ट्रेन के अभी तक लॉक है।
एसी स्टैंड का वॉशरूम है जो कि लॉक है और इसे जो है ओपन नहीं किया गया। ये वाला जो वॉशरूम है ये भी लॉक है जो कि मेन कॉरिडोर में है, ये अंदर जाने से पहले जो आता है। तो दोस्तों ट्रेन ने जो है अभी वो लांडी जंक्शन रेलवे स्टेशन क्रॉस किया है और इसी के साथ ही जो है वो जूस सर्व किया जा रहा है ग्रीन एक्सप्रेस में। थैंक यू। बेसिकली ये जो है ये ऑरेंज का टैंक है जो कि सर्व किया गया है एज अ वेलकम ड्रिंक, और वेलकम जो है हमारे लांडी रेलवे स्टेशन करीब हुआ है। चले गनीमत जानकर से पीते हैं। दोस्तों मैं इस वक्त मौजूद हूँ फाइव ओ क्लियर एक्सप्रेस के वॉशरूम में, और वॉशरूम जो है आप देख सकते हैं साफ सुथरा है, शुगर वगैरह जो है वो मौजूद है, ये जबकि पहले हुआ करते थे, साथ साबुन जो है वो मौजूद है, साथ ही नैपकिन मौजूद है, और सबसे बड़ी बात लोटा मौजूद है, और साफ सुथरा वॉशरूम जो है ये देखने में आ रहा है। इसके साइड में शीशा जो है ये भी आप देख सकते हैं कि किस हद तक चमक रहा है। तो दोस्तों तकरीबन 11:30 हो चुके हैं और सीन ये है कि मेरी जो है काफ़ी देर से तबीयत ख़राब थी, लेकिन टिकट जो है वो मैंने काफ़ी देर पहले ही करवाई हुई थी, तो तबीयत ख़राब भी मैंने सोचा कि क्यों ना ट्रैवल कर लिया जाए, तो ये दवाइयाँ जो है ये मुझे डॉक्टर साहब ने असाइन की हुई है। चले दवाई खाते हैं और फिर आराम करते हैं। बाकी बेडिंग जो है वो अभी तक प्रोवाइड नहीं की गई ग्रीन एक्सप्रेस में, जबकि बेडिंग जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री होती है और इनको पहले ही दे देनी चाहिए तमाम मुसाफिरों को, लेकिन अभी तक जो है वो बेडिंग वगैरह नहीं दी गई। फ़िलहाल जो तकिया जो है ये हमारे आने से पहले ही हमारे सीट पर मौजूद था, बाकी इसके अलावा जो बिछाने के लिए चादर दी जाती है और ओढ़ने के लिए जो चादर दी जाती है वो अभी तक स्टाफ की जानिब से नहीं दी गई है। चले फिलहाल दवाई खाते हैं और रेस्ट करते हैं, देखते हैं कि बेडिंग कब मिलती है और कॉम्प्लीमेंट्री किट जो है जो एसी के कोचेज़ में मिलती है वो कितने बजे हमें प्रोवाइड की जाती है। दोस्तों कुछ ये सीन है कि चादर जो है वो अभी मिली है, क्योंकि तकिया जो है वो पहले से मिला हुआ था। चादर आपके सामने कि एक ही चादर दी गई है, या तो आप इसे बिछा लें या फिर ओढ़ लें, लेकिन सर्दी जो है वो इस वक्त काफ़ी हो रही है तो इसे जो है हम ओढ़ेंगे, क्योंकि बिछाने में तो गुजारा हो जाएगा, बगैर ओढ़े जो है वो इतनी ठंड में नहीं रहा जाएगा। तो दोस्तों चले अब जो है वो सोने का वक्त हुआ जाता है, फिर अब आपसे सुबह मुलाकात करते हैं। और फिर जब सुबह मेरी आँख खुली तो उस वक्त हमारी फाइव ओ ग्रीन लाइन एक्सप्रेस तकरीबन एक घंटा लेट पहुंच रही थी रोहड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। तो दोस्तों ट्रेन पूरे 6:45 जो है वो पहुंच रही है रोहड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। तो थोड़ी बहुत सस्ती हो रही थी तो सोचा स्टेशन से ही चाय पी लेते हैं, वरना ग्रीन लाइन में तो चाय हमें नाश्ते के साथ मिलनी ही थी, लेकिन उसमें थोड़ा सा वक्त लगता। तो रोहड़ी जंक्शन पर ग्रीन लाइन एक्सप्रेस का तकरीबन 25 मिनट का हॉल्ट है, और रोहड़ी जंक्शन तकरीबन हर ट्रेन का टेक्निकल हॉल्ट है कि जहाँ पर ट्रेन की प्रॉपर चेकिंग होती है, ट्रेन में पानी वगैरह भरा जाता है और ट्रेन का क्रू वगैरह जो कि ट्रेन को कराची से लेकर रोहड़ी तक लाता है वो चेंज हो जाता है। खैर इसी दौरान कराची और पेशावर के दरमियान चलने वाली वन अप खैबर मेल भी हमारे बराबर वाले प्लेटफॉर्म यानी कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आ गई, जो कि कराची से ग्रीन लाइन के सिर्फ 15 मिनट बाद निकलती है, और आप देख सकते हैं कि रोहड़ी जंक्शन पर भी ये ट्रेन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस के ठीक 15 मिनट बाद ही पहुँच रही है। अगर आपको कराची से रोहड़ी का सफ़र करना हो तो आप ग्रीन लाइन में करें या फिर खैबर में, टाइमिंग के लिहाज से बिल्कुल सेम है और दोनों के किरायों में जो है वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और बस अब हमारी ट्रेन जो है वो चलने वाली है। दोस्तों पूरे 6:10 पर जो है वो हमारी ट्रेन डिपार्ट कर रही है रोहड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन से, और यहाँ से चलने के बाद ट्रेन का नेक्स्ट हॉल्ट जो होगा वो होगा भावलपुर में जाकर। प्लेटफॉर्म नंबर 3 को ट्रेन छोड़ रही है इस वक्त।
तो ये वन अप जो है ये हमारी ट्रेन के बाद निकलेगी यहाँ से, क्योंकि बाद में आई है ये 349040। इंतज़ार में है कि कब इसका सिग्नल होगा। तो दोस्तों रोड़ी से चलने के बाद जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री किट जो है वो दे दी गई है, पाकिस्तान रेलवे लिखा हुआ है पीछे जो है, वो रॉयल स्विस का लोगो भी लगा हुआ है। तो चलिए हम इसको खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। और ये सिक्स डाउन क्लियर एक्सप्रेस से भी हमें मुलाकात हो चुकी है रोड़ी आउटर पर। किट के अंदर से निकला है सबसे पहले एक डेंटल किट, जिसमें ज़रूर एक अदद जो है वो टूथपेस्ट होगा। यस ऐसा ही है, एक टूथपेस्ट और साथ ही एक ब्रश पे एक अदद कंघा होगा। बाकी ये है शेविंग किट, इसमें एक अदद रेज़र होगा और साथ ही शेविंग क्रीम होगी। यस ऐसा ही है, ये कुछ है कॉम्प्लीमेंट्री किट के अंदर। हेलो, कहाँ जा रही हैं आप? पाकिस्तान टूर पर निकली हुई। पाकिस्तान टूर पर निकले हुए हैं। वही वर्षा कैमरा पकड़ने, कैमरा पकड़ने बाड़ी देखना, बाड़ी देखना ज़्यादा नाम है इसका माशाल्लाह। और ये जुंदे फिटने जा रही है। दोस्तों रोड़ी से चलने के बाद ठीक 6:35 पर जो है वो नाश्ता सर्व कर दिया गया है 5 AM एक्सप्रेस में, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो 2 स्लाइस और साथ ही जो है वो इस पैकेट के अंदर एक अदद अंडा मौजूद है और इसके साथ जो है ब्लू बैंड मक्खन साशे पैक और इसके साथ ही एक जो है वो नूरपुर का और जैम भी मौजूद है करना और इसके साथ ही एक बटर नाइफ। तो ये कुछ है कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट में 5 AM एक्सप्रेस में। तो नाश्ता करने से पहले मैं ब्रश करना भूल गया और चाय आने में भी थोड़ा टाइम था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना पहले ब्रश कर लेते हैं। तो जैसे ही मैंने ब्रश करना शुरू किया तो उसी वक्त पन्ना के रेलवे स्टेशन जो है वो हमारी ट्रेन स्किप करने जा रही थी। तो मैंने सोचा कि पहले पन्ना के क्रॉसिंग को कैप्चर कर लेते हैं, क्योंकि ब्रश तो 5 मिनट बाद भी हो जाएगा, लेकिन अगर ये स्टेशन एक बार गुजर गया तो ये दोबारा नहीं आएगा। खैर पन्ना के रेलवे स्टेशन को क्रॉस करने के बाद मैं दोबारा से अपना ब्रश कंप्लीट करने के लिए चला गया और जब तक नाश्ता करने के लिए दोबारा अपनी सीट पर गया तो उस वक्त तक चाय भी हमारी आ चुकी थी। चलो जी ठीक, आधे घंटे बाद जो है वो चाय भी सर्व की जा रही है। चलो जी अब जो है वो नाश्ता कंप्लीट हो गया है, मैंने जो है नाश्ता किया नहीं था तो अब जो है नाश्ता करते हैं ग्रैंड एक्सप्रेस का।
दोस्तों पूरे 10:20 पर जो है हमारी ट्रेन वो स्किप करने जा रही है समरसट्टा जंक्शन रेलवे स्टेशन को। और यहाँ पर जो है वो हम ओवरटेक भी कर रहे हैं 37 अब बाबा फरीद एक्सप्रेस को। फरीद एक्सप्रेस जो कि मेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई है। फरीद एक्सप्रेस और हम लोग साइड लाइन से ओवरटेक कर रहे हैं फरीद एक्सप्रेस को। तो समा सट्टा जो है ये फरीद एक्सप्रेस का टेक्निकल हॉल्ट है। दोस्तों ये बराबर वाली लाइन जो है ये तो डाउन लाइन है, लेकिन उसके बराबर वाली लाइन जो है ये है समरसट्टा अमरूगा ब्रांच लाइन जो कि समरसट्टा जंक्शन से अलग होती है। और ये थोड़ी देर तक तो मेन लाइन के साथ साथ चलती है, लेकिन आगे जाकर जो है ये हमसे अलग हो जाएगी और फिर सीधा जाएगी भावल नगर से होती हुई अमरूगा। फोर्ट अब्बास जो है वो भी यही लाइन जाती है जो कि भावल नगर जंक्शन से अलग होती है। काफ़ी पैसेंजर थे इस रूट पर, इस ब्रांच लाइन पर, लेकिन ये ब्रांच लाइन जो है अब माजी का हिस्सा बन चुकी है। इस पर काम स्टार्ट हो रहा था, लेकिन वो थोड़ा सा काम हुआ है और फिर उसके बाद जो है वो काम भी बंद हो गया। और अब तक जो है वो इस रेल लाइन की कोई अपडेट नहीं है इस ब्रांच लाइन की। लेट्स सी कैसे बहाल होने में कितना वक्त मज़ीद दरकार है। तो ये कुछ स्पीड है ट्रेन की भावलपुर आने से पहले। कुछ स्पीड में ट्रेन आगे बढ़ रही है भावलपुर की तरफ। डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा नहीं है समरसट्टा से भावलपुर तक का। तो दोस्तों इस वक्त ट्रेन हमारी जो है 10:35 पर पहुंच रही है भावलपुर रेलवे स्टेशन पर। और इस वक्त तक ट्रेन हमारी तकरीबन 1 घंटा लेट हो चुकी है। दोस्तों ट्रेन जो है तकरीबन 5 मिनट हॉल्ट करने के बाद निकल रही है भावलपुर रेलवे स्टेशन से। और इस वक्त गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है भावलपुर रेलवे स्टेशन पर। मुझे तो लगा था कि यहाँ पे जो है वो हमें बारिश वगैरह मिलेगी,
लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं है। हालांकि वेदर फॉरकास्ट में भी जो है भागलपुर में बारिश आ रही थी, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं है। और इस वक्त जो है शदीद गर्मी पड़ रही है भागलपुर में, और मैं प्लस मैं एसी से भी बाहर आया हूँ, तो इस वजह से मुझे गर्मी और ज़्यादा महसूस हो रही है। तो चले अब गार्ड साहब ने जो है वो भी झंडे दिखा दिए, बढ़ते अपने अगले स्टॉप यानी खानेवाल की तरफ, जो कि अब तकरीबन 2 घंटे बाद आने वाला है। बाकी भागलपुर रेलवे स्टेशन की मेन स्टेशन बिल्डिंग जो है वो हमारे अपोजिट साइड पर है, ये रही। और पाकिस्तानी आवाम का जो है अच्छा खासा पैसा लगाया गया है इस बिल्डिंग पर। तो नवाबों के शहर की मेन स्टेशन बिल्डिंग है, तो नवाबों के महल के तर्ज पर ही बनाई गई है। तो ये जो वाइट कलर की बिल्डिंग है हमारी राइट साइड पर, ये भागलपुर के नवाब की जो ट्रेन थी वो यहाँ पर आकर लगती थी, और नवाब साहब जो है वो इस बिल्डिंग के अंदर से अपनी ट्रेन में बोर्ड होते थे। स्पेशल प्लेटफॉर्म है उनका, लेकिन अब जो है ये एक तारीख का हिस्सा बन चुका है। अब से कुछ ही देर में आने वाला है दरिया सतलज के ऊपर बना हुआ एम्प्रेस ब्रिज, जिसको हम लोग स्किप करेंगे। तो ट्रेन जो है हमारी वो लोधरा जंक्शन को स्किप कर रही है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि हमारी ट्रेन जो है वो यहाँ से वाया मुल्तान खानेवाल नहीं जाएगी, बल्कि यहाँ से हम झांझिया के रास्ते से होते हुए मुल्तान जाएंगे, कि जिसके चलते आप देख सकते हैं आगे ट्रेन हमारी ट्रैक चेंज करके कॉर्ड लाइन पर आ रही है, मेन लाइन 1 की कॉर्ड लाइन। साथ ही यहाँ से जो है एक रूट कसूर पाकपतन का भी अलग होता है, जिस वजह से लोधरा को जंक्शन कहा जाता है। 3 रूट अलग होते हैं यहाँ से। फिलहाल हम आ चुके हैं डाउन लाइन पर, और ये आ चुके हैं हम लोग कॉर्ड लाइन पर, मेन लाइन की कॉर्ड लाइन पर। बाबा फरीद एक्सप्रेस जो है वो सामने वाले रूट से जाएगी, क्योंकि वो पाकपतन कसूर से होती हुई लाहौर तक जाएगी। बाकी मुल्तान के ट्रैक्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जो मुल्तान जाते हैं वो हमारे अपोजिट साइड पर है। ये जो ट्रैक्स हैं ये अप डाउन के, ये मुल्तान के रास्ते खानेवाल जाने वाले ट्रैक्स हैं। तो ट्रेन जो है कुछ देर में पहुंचने वाली है झांझिया रेलवे स्टेशन पर, और उससे पहले जो है ट्रेन की कुछ इस तरह गिरफ्तार है। कॉर्ड लाइन पर भी ट्रेन जो है काफ़ी अच्छी स्पीड में दौड़ती है। दोस्तों पूरे 11:55 पर हमारी ट्रेन जो है वो अप्रोच बना रही है खानेवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। इस वक्त बाहर जो है काफ़ी हब्स हो रहा है। तो ये ट्रेन जो है हमारी मेन प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ रही है, यानी कि मेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ,
और यहाँ पर हमारी शालीमार एक्सप्रेस के साथ मुलाकात होगी 28 डाउन। तो बेसिकली ये अब जो ट्रेन है हमारी वो डाउन मेन लाइन से अप मेन लाइन की तरफ जा रही है और अप मेन लाइन पर ही मेन प्लेटफॉर्म है खानेवाल जंक्शन का। गेट डाउन शालीमार एक्सप्रेस तक बिल्कुल हमारे सामने से आ रही है और ये पाइप जो है पानी भरने के लिए ऊपर लेके जा रहे हैं। देखा आपने किस तरीके से पाइप को ऊपर फेंक दिया गया है और अब ऊपर चढ़कर ट्रेन में पानी भरा जाएगा। तो दोस्तों खानेवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर भी जो है वो 5 अप गियर एक्सप्रेस का टेक्निकल हॉल्ट है और यहाँ पर भी जो है ट्रेन में पानी वगैरह भरा जाएगा, ट्रेन का स्टाफ वगैरह चेंज होगा, ड्राइवर्स वगैरह सब जो है वो चेंज होंगे जो रोड़ी से चढ़ रहे हैं। इसी के साथ अगर हम लोग रेल एक्सप्रेस के किराए की बात करें यानी कि फेयर्स की बात करें तो कराची से लेकर लाहौर तक मुझे पड़ा है AC स्टैंडर्ड का किराया 7,150 रुपये। तो सीन ये है कि मैंने जो अपनी रिजर्वेशन वो 48 आवर्स से पहले करवाई थी कि अगर मैं 48 आवर्स के अंदर अंदर करवाता यानी कि 2 दिन के अंदर अंदर करवाता इसके टिकट तो मुझे जो है ये तकरीबन 7,500 रुपये का टिकट पड़ता है कराची से लाहौर तक, जो है तकरीबन 350-400 रुपये का फ़ायदा हो गया इस तरह से। बाकी इस ट्रेन में AC स्टैंड के साथ साथ इकॉनमी क्लास, AC बिजनेस क्लास और पायलट का कोच भी लगाया जाता है जिसका किराया जो है वो इस वक्त आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये कराची से लाहौर तक ग्रीन लाइन एक्सप्रेस की बाकी क्लासेस का कितना किराया है, साथ ही ये 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस भी पहुंच रही है खानेवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। GU 49051 शालीमार एक्सप्रेस के साथ आ रहा है। ये हमारे एक दोस्त जाहिद इस्माइल भाई जो है ये भी हमें मिल गए हैं आने वाले स्टेशन पर। अस्सलाम वालेकुम भैया, कैसे हैं भाई? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। सर आप बताएं कहाँ जा रहे हैं? मैं कराची जा रहा हूँ। कराची जा रहे हैं? मैं कराची से लाहौर जा रहा हूँ। अच्छी बात है। आप घर की तरफ आने वाले से कराची? मेरा घर से इधर। अच्छा 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 अच्छा। और बताएं सब सेट है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह से जो है वो अक्सर ही रेल फैंस मुख्तलिफ स्टेशन पर मिलते रहते हैं। खैर यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एक ग्रीन लाइन ये रही और दूसरी ग्रीन लाइन ये रही, जबकि जो बिजनेस क्लास और एक पार्लर कार है शालीमार एक्सप्रेस का वो ग्रीन लाइन की थीम का है यानी कि ग्रीन लाइन के कोचेस को ही जो है वो शालीमार को दे दिया गया है। जिस तरह से ऐसा लग रहा है कि 2 ग्रीन लाइन एक्सप्रेस इस वक्त खानेवाल स्टेशन पर मौजूद हैं जबकि एक जो है वो शालीमार है जिसके 3 कोचेस ग्रीन लाइन की थीम में, आज तो 4 लगे हुए हैं, बल्कि जो लगेज वैन है वो भी ग्रीन लाइन का है और ग्रीन लाइन तो ग्रीन लाइन है ही। तो दोस्तों पूरे 12:15 बजे जो है ट्रेन हमारी वो डिपार्ट कर रही है खानेवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन से, जबकि शालीमार एक्सप्रेस अभी तक रुकी हुई है यहाँ पर। हेलो जहांगीर भाई, सर किधर? लाहौर? बताए भी नहीं यार। तो एक और दोस्त हमारे जहांगीर भाई वो भी शालीमार एक्सप्रेस में ट्रैवल कर रहे थे। तो दोस्तों अब सीन कुछ ये है कि
खानेवाल जो है ये हमारा लास्ट स्टॉप है, इसके बाद ट्रेन जो है डायरेक्ट जाकर लाहौर रुकेगी, लाहौर जो कि आज की हमारी मंजिल है। और अब जो है ट्रेन में वो खाना सर्व किया जाएगा, खाना क्या होगा, खाना कैसा होगा, उसका टेस्ट कैसा होगा, ये भी हम कुछ ही देर में देखते हैं। और ये ग्रीन लाइन एक्सप्रेस के रिजर्व कोचेस सफ़ेद कोच यहाँ पर मौजूद है। अगर किसी कोच में ग्रीन लाइन एक्सप्रेस की फॉल्ट आ जाए तो इस रिजर्व कोच को जो है वो लगा दिया जाए। दो कोचेज़ यहाँ पर मौजूद है, एक इकॉनमी क्लास एक बिज़नेस क्लास का। तो ये शालीमार के अब तक जो है मुझे काफ़ी सारे कोचेज़ जो है वो न्यू ही लग रहे हैं, शुक्र है कि इसमें कुछ चेंजिंग वगैरह नहीं की गई। काफ़ी स्लो डिपार्ट कर रही है ट्रेन इस वक्त, गर्मी जो है वो भी काफ़ी बढ़ चुकी है खानेवाल में। तो दोस्तों सीन ये है कि अभी हमारी ट्रेन जो है वो खानेवाल रेलवे स्टेशन से निकल चुकी है और इस वक्त जो है सहवाल रेलवे स्टेशन से निकली है 9 अप लामा इकबाल एक्सप्रेस और ओकाड़ा पर पहुंचने वाली है 7 अप तेज़गाम एक्सप्रेस। तो देखना यह है कि हमारी 5 अप गियान एक्सप्रेस जो है ये लामा इकबाल या फिर और मज़ीद आगे फिर तेज़गाम, इनमें से किसी एक ट्रेन को पकड़ पाती है या नहीं। तो कुछ इस तरह की स्पीड ट्रेन की खानेवाल से चलने के बाद काफ़ी अच्छी स्पीड में हॉल कर रहा है जियो 40 9026। एक बजने में जो तकरीबन 7 मिनट है और आधा सर्व कर दिया गया है और अब से कुछ ही देर में जो है वो खाना आ जाएगा दोपहर का। फाइनली जो है वो 1:32 पर खाना हमारा आ चुका है, जबकि रायता जो है ये तकरीबन 12:50 पर आ गया था और खाना जो है अब जाकर आया है 1.5 घंटे बाद। और खाने में जो है सबसे पहले पैकिंग काफ़ी अच्छी है, ऊपर पाकिस्तान रेलवे का लोगो लगा हुआ है और पीछे जो है वो वॉल से इसका मोनोग्राम और कुछ रेलवे स्टेशन की तस्वीर जहाँ से ग्रीन लाइन एक्सप्रेस गुजरा करती है। इसके साथ ही रायता जो है ये तो मैंने आपको दिखा दिया था जो कि पहले मुझे मिला था, बाकी बिजनेस क्लास में जो है वो टोटल 5 पोर्शंस बने हुए हैं प्लास्टिक ट्रे के और ऊपर से जो है वो प्लास्टिक शीट भी चढ़ाई गई है ताकि मट्टी के ज़रात जो है वो खाने के अंदर तक ना जाए। राइट साइड पर आप देख सकते हैं चिकन बिरयानी है, उसके बराबर में जो है वो मूंग मसूर की दाल है और इसमें मुझे चने की दाल भी मिक्स हुई हुई दिखाई दे रही है, इसके बराबर में गुलाब जामुन और एक टिश्यू पेपर साथ ही एक चम्मच साथ चिकन कढ़ाई लग रही है और उसके साथ ही जो है वो 1 अदद नान है। तो ये कुछ है एसी स्टैंडर्ड में और जितने भी एसी की क्लासेस होती हैं उनमें मेन्यू जो है वो सेम ही रहता है। बाकी इकॉनमी क्लास का सीन ये है कि इकॉनमी क्लास में जो है बस बिरयानी नहीं होती, बाकी मेन्यू जो है वो सेम रहता है, जबकि बिज़नेस क्लास में जो है वो बस बिरयानी ऐड हो जाती है। तो चलें अब खाना खाते हैं और फिर कुछ ही देर में आपसे बात करते हैं। तो ट्रेन जो है इस वक्त अप्रोच कर रही है ओकाड़ा रेलवे स्टेशन पर और यहाँ से जो है ट्रेन थ्रू पास करेगी, स्पीड आपके सामने। गेट डाउन जो है वो इस वक्त अनाउंस कर रही है। ओकाड़ा रेलवे स्टेशन पर जबकि हमारी ट्रेन ने जो है यहाँ से थ्रू पास किया है।
दोस्तों ट्रेन जो है पूरे 3 बजे स्किप कर रही है रावण जंक्शन रेलवे स्टेशन को। बारिश फिलहाल तो नहीं मिली हमें अभी तक, लेकिन सुबह तक जो है वो यहाँ पर बारिश हुई है। और PLC पास करवाया जा रहा है ट्रेन को। ज़मीन आप देख सकते हैं कि गीली हो रही है पूरी। ट्रेन जो है पूरे 3:25 पर जो है वो गुजर रही है कोट लखपत रेलवे स्टेशन से, और ट्रैक्स पर जो है वो इस वक्त पानी मौजूद है और ग्रीन लाइन जो है तैरने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो शुक्र है कि आज बारिश नहीं हुई, वरना पानी जो है मजीद होता। तो ट्रेन जो है हमारी वो फाइनली पहुंच चुकी है लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन के आउटर पर। लेफ्ट साइड के तमाम कोचेज जो है वो इंतज़ार में अपनी ड्यूटी के, कि कब उनका नंबर आएगा और वो किसी ट्रेन के साथ अटैच होंगे। दोस्तों फाइनली ट्रेन जो है वो 4:10 पर पहुंच रही है लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन की प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। इतना महंगा पे करने के बावजूद भी जो है वो यहाँ पर रुका है हमारा डब्बा, और आखिर के जो 5 कोचेज़ हैं वो सारे प्लेटफॉर्म से पीछे हैं। और इतना ज़्यादा खर्च करने के बाद तकरीबन 7,500 रुपये का टिकट लेने के बावजूद जो है मुसाफिर अजियत में उतर रहे हैं यहाँ से। प्लेटफॉर्म जो है छोटे पड़ जाते हैं जब ट्रेन लगती है 20 डब्बों की, तो इस चीज़ पर नज़रसानी करनी चाहिए पाकिस्तान रेलवेज़ को कि मुसाफिर जो है वो सारे ख्वार हो रहे हैं पीछे, क्योंकि प्लेटफॉर्म नहीं है। छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो सारे मुश्किलात में है इस वक्त, क्योंकि सामान उतारने में कितनी मुश्किल हो रही है मुसाफिरों को।
तो दोस्तों ये था मेरा सफर कराची से लेकर लाहौर तक पाकिस्तान की नंबर वन ट्रेन यानी ग्रीन लाइन एक्सप्रेस में। सफर बहुत मजेदार था, एसी बिल्कुल चिल चल रहा था, कोचेस साफ सुथरे थे और साथ ही कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज आपने देखी ग्रीन लाइन एक्सप्रेस की। ट्रेन हमारी तकरीबन डेढ़ घंटा लेट हो गई थी कि जिसमें आपने देखा कि रोड़ी तक ही हमारी ट्रेन तकरीबन एक घंटा लेट हो गई थी और फिर उसके बाद लाहौर पर ट्रेन का राइड टाइम दोपहर 3 बजे का था पहुंचने का, लेकिन हम लोग 4:30 बजे पहुंचे हैं लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ग्रीन लाइन एक्सप्रेस का रिव्यू पसंद आया होगा। तो अब आपसे जल्दी बात होगी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।